कक्षा 12वीं विषय गणित इकाई 6 अवकलन डिफरेंटिएशन प्रश्नावली 9। यदि y करनी के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर इस लॉग ब्रैकेट में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स हो तो सिद्ध कीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 dy बाय dx इक्वल टू एक्स वाई प्लस 1 बराबर इसे 0। इसके हल को अपन लिख रहे हैं, क्या दिया है, y अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबरी से लाग ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, ये दिया है क्या x के सापेक्ष अवकलन करने पर। यह हम इसका क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन। जब x के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे तो कंडीशन होगी dy/dx, मान लो इसके सापेक्ष कर लिया तो दूसरा पद ज्यों का त्यों एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर किसके इस पद के सापेक्ष क्या लिखेंगे, प्लस y इंटू dy/dx किसके एक्स स्क्वायर प्लस 1 के सापेक्ष बराबरी से dy/dx लॉग ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स dy/dx अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस y, अब इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे y एक्स स्क्वायर का 2x होगा, अब इस पूरे का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/2 - 1 तो पावर माइनस में आएगी, जिसको हम डायरेक्ट बटे में लिख सकते हैं इस प्रकार से 1/2 है ना एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबरी से इसके सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो इसको t के जैसा मान लेंगे, तो ये पूरा का पूरा पद इसको आप थोड़ी देर के लिए क्या मान लो, t मान लो। अगर t मान लिया तो फिर t के सापेक्ष पुनः x का डिफरेंशिएशन, माना कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स बराबरी से क्या है टी है। अब इसे देखिए तो पहला पद एक्स स्क्वायर प्लस 1 dy/dx जो कहते हो, अगला पद प्लस एक्स वाई और ये 2 से 2 कट गया, तो क्या होगा एक्स वाई बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब हम जानते हैं दाहिनी ओर इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये जाएगा 1/t और टी की जो वैल्यू हमारे पास है dt/dx, नेक्स्ट स्टेप में टी की वैल्यू रख के उसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 dy/dx प्लस एक्स वाई बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 1/t। 1/t का मतलब है कि जो वैल्यू है अब उसको हम रख दें तो 1/t टी जो था क्या था अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, ये पूरी टी की वैल्यू है, यहाँ भी टी की वैल्यू रखो तो टी की वैल्यू यहाँ पर होगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स बटे dx। इस तरीके से हम इसकी वैल्यू को जब रखते अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ध्यान से देखिए पहला पद अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 dy/dx प्लस एक्स वाई बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबरी से 1/2, इसमें तो कोई फेरबदल नहीं होगा, क्या होगा ये बिल्कुल ज्यों का त्यों रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन होगा तो हम में से सब जानते हैं कि जब हम इसका अवकलन करेंगे तो इसकी घात ऋण 1 हो जाएगी, पहले से इसकी घात 1/2 है तो 1 में से 1/2 को घटाने पर ऋण 1/2 आएगा जो बटे में पहुंच जाएगा और 1/2 पहले आ जाएगा, तो कुछ इस प्रकार से ध्यान दीजिए 1/2 इसकी घात धन से ऋण हो जाएगी
बटन पहुंच जाएगा, साथ ही साथ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा, क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि इसकी पावर माइनस में होती माइनस 1 बाय 2, माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1, ये हमारे पास इसका है। अगले स्टेप में ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब अगर इसको हम ध्यान से देखें तो बड़ी आसानी से कुछ इस प्रकार की कंडीशन, तो ध्यान से देखिए तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई बाय डी एक्स प्लस एक्स वाई बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर इस। इसका लघुत्तम लेंगे तो इसके बटे में कुछ नहीं मतलब ये, तो क्या आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पहुँच जाएगा, और ये तो गुणनफल में, तो क्या मान आएगा देखिए जरा, एक्स माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे ये पद पूरा का पूरा, इसके साथ ही अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी, तो इसको हम बाहर लिख देंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये इसको ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। अगली स्टेप इसकी जो अगली स्टेप को ध्यान से देखिए, तो हमारे पास कौन सी कंडीशन कुछ इस प्रकार से, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई बाय डी एक्स प्लस एक्स वाई बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबरी से। इस वैल्यू को ध्यान से देखो, ये और ये पूर्णतः समान है, लेकिन अंतर क्या है, यहाँ प्लस एक्स है और यहाँ माइनस एक्स, ये माइनस है और ये प्लस, इससे ये पूर्णतः कट जाएगा, कितने बार ऋण एक बार, कितने बार कटेगा ऋण एक बार, तो हम लिखेंगे ऋण एक बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये जो हमारे पास पद है, अब बाई ओर की संख्याओं का क्या लेंगे, अब एलसीएम लेते हैं, बाई ओर की संख्या का अब हम एलसीएम लेते, तो ये आ जाएगा कितना, ये हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका इसमें जब गुणा होगा तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई बाय डी एक्स प्लस, यहाँ सीधे सीधे एक बार भाग जाएगा तो एक्स वाई आएगा, बराबरी से क्या ऋण एक बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, दोनों के हर में एक जैसी संख्या है, तो जैसे हम इसको ले जाएंगे तो वो अंश में पहुँचेगी, मतलब ये दोनों के हर समाप्त हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या डी वाई बाय डी एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू माइनस 1, माइनस 1 को जब राइट से लेफ्ट में लाएंगे तो किसमें बदल जाएगा प्लस 1 में, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई बाय डी एक्स प्लस एक्स वाई प्लस 1 बराबरी से क्या 0। और ध्यान दीजिए हमको इसी को तो क्या करना था, सिद्ध करना था, हम लिख रहे अतः क्या हुआ सिद्ध हुआ। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा, आज के लिए इतने, शेष कर धन्यवाद।